दोस्तों फिर से आपका स्वागत है गैजेट जोन में एंड आज होगी बात कुछ लेटेस्ट एंड दिमाग हिला देने वाले गैजेट्स के बारे में। और गाइज हमेशा की तरह इन सारे गैजेट्स की लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, आप बस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और बिना देर किए हम कर लेते हैं शुरुआत नंबर 1 से। मॉनिट्री, पेड़ पौधे और वाइन्स, ये सब अभी तक आपने सिर्फ अपने गार्डन वगैरह में ही देखे होंगे, लेकिन सोचिए कि ब्यूटीफुल सी वाइन्स आपके मॉनिटर के अराउंड ग्रो करें तो आपका वर्क स्पेस कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। आमतौर पर तो ये करना मुश्किल है, लेकिन मॉनिट्री से आप ऐसा बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों वर्क करने के दौरान आप सबसे ज्यादा किस डिवाइस की ओर देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है मॉनिटर। तो जब मॉनिट्री की मदद से आपके मॉनिटर के अराउंड वाइन्स ग्रो हो जाएंगी तो उन्हें देखकर आप खुद को नेचर के बीच महसूस कर पाएंगे, टाइम टू टाइम रिलैक्स कर पाएंगे उसकी ग्रीन लीव्स को देखते हुए। मतलब आपका वर्क स्पेस बहुत ज्यादा बदल जाएगा या कहें कि इनहेंस हो जाएगा। इन वाइन्स को आपको हफ्ते में एक बार पानी देना होगा सीरीन से, जो कि बहुत आसान होता है। मॉनिट्री पॉट ट्रांसपेरेंट होता है तो सॉइल और वाइन्स, उसकी लीव्स, ये सब आपको क्लियरली दिखाई देंगे। सॉइल की कंडीशन को देखकर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कब उसमें वाटर डालना है। इसकी फुल स्पेक्ट्रम LED प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरी लाइट प्रोवाइड कर देती है। तो कुल मिलाकर गाइस काम के दौरान भी खुद को नेचर के बीच फील करने के लिए एंड अपने वर्क स्पेस को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड रिलैक्सिंग बनाने के लिए आप मॉनिट्री का यूज कर सकते हैं। ये लाइट मॉनिटर लाइट बार प्रो। अब अगर आप भी एक गेमर हैं एंड गेमिंग करते हैं अपने PC पर या फिर उस पर वर्क करते हैं तो ये वाला गैजेट आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को पहुंचा देगा नेक्स्ट लेवल पर। ये है ये लाइट मॉनिटर लाइट बार प्रो। PC सेटअप में RGB लाइट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, ऐसे में ये लाइट बार इस तरह से बनाई गई है कि ये आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और इमर्सिव बना सकती है। कैसे? वो ऐसे गाइस कि आपको बस इस लाइट बार को अपने मॉनिटर के ऊपर लगा देना होगा एंड फिर ये आपके गेम्स के साथ सिंक हो जाएगी एंड जैसा सीन गेम में चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग लाइट इफेक्ट्स क्रिएट करने लगेगी। इस गैजेट में 16 मिलियन कलर्स होते हैं दोस्तों, तो इसकी मदद से आप अपनी हर एक गेमिंग मूव के हिसाब से परफेक्ट लाइटिंग इफेक्ट्स इससे क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्सेसरी कर्व्ड एंड फ्लैट दोनों ही तरह की स्क्रीन्स के साथ कॉम्पैटिबल होती है एंड इसे आप आसानी से कमांड दे पाएं इसके लिए ये गूगल असिस्टेंट और अमेज़न एलेक्सा के साथ भी कॉम्पैटिबल रहती है, तो आप इसे वॉइस कमांड्स देकर भी कंट्रोल कर पाएंगे। सिंडन लाइट गन। आपको याद होगा कि पहले के टाइम पर हम लाइट गन से अपनी पुरानी टीवीज पर गेम्स खेला करते थे, लेकिन आज की बात करें तो गाइज वो लाइट गन्स आज की टीवीज यानी LCD टीवीज के साथ वर्क नहीं करती हैं। लेकिन एक लाइट गन ऐसी है जो LCD टीवीज के साथ भी वर्क करती है एंड वो है सिंडन लाइट गन। यानी इस लाइट गन से आप अपनी LCD टीवी पर भी गेम्स खेल सकते हैं। इस लाइट गन की मदद से आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। ये बिग स्क्रीन LCD, LED या फिर प्लाज्मा टीवी के साथ भी वर्क करती है एंड अगर आपके पास CRT टीवी है तो ऐसा नहीं है कि ये उसके साथ नहीं चलेगी, ये CRT टीवी के साथ भी वर्क करती है। और तो और गाइस अगर आप टीवी की जगह पर प्रोजेक्टर का यूज करते हैं तो ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर भी वर्क करती है, यानी उस पे भी आप इससे गेम्स खेल पाएंगे। यानी गाइस लगभग किसी भी तरह का टीवी हो आपके पास, सिंडन लाइट गन से आप उन सभी पर गेम्स का मजा ले सकते हैं। वीडियो शूट करते टाइम कैमरा को ट्राइपॉड के साथ लगाया जाता है। नॉर्मल ट्राइपॉड्स प्लेन सरफेस पर तो आसानी से खड़े हो जाते हैं, लेकिन सोचिए कि किसी ऊबड़ खाबड़ टेरेन पर ट्राइपॉड को रखना हो या फिर मान लीजिए कि कैमरा को बिल्कुल ही किसी अलग एंगल पर सेट करना हो, जैसे कि ग्राउंड से अलग किसी चीज के साथ माउंट करना हो, तो ये काम आप नॉर्मल ट्राइपॉड से तो नहीं कर पाएंगे। तो वेल इसके लिए बनाया गया है प्लैटीपॉड एक्सट्रीम। टेरेन कैसा भी हो दोस्तों, इसकी मदद से आप अपने मनचाहे शॉट्स ले पाएंगे। खासकर गाइस वो लोग जो आउटसाइड शूटिंग करते हैं उनके लिए तो ये गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। इसकी मदद से आप अपने कैमरा को डिफिकल्ट स्पेसेस एंड एंगल्स में भी आसानी से रखकर शूटिंग कर सकते हैं एंड साइज तो इसका कॉम्पैक्ट रहता ही है, तो ये काफी इजी टू कैरी भी हो जाता है। इवन अगर आपको अपने कैमरा को एक ट्री में लगाना है, वो वाला एंगल आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसे वहां भी लगा सकते हैं प्लैटीपॉड एक्सट्रीम की मदद से। तो देखा जाए गाइस तो जो कैमरा एंगल्स पहले पॉसिबल ही नहीं लगते थे या जिन टेरेन्स पर कैमरा को लगा पाना बहुत मुश्किल लगता था, अब ये सब कुछ आप प्लैटीपॉड एक्सट्रीम की मदद से बहुत इजीली कर सकते हैं। डेली वन फ्लेक्स एंड फ्रेश। एक नॉर्मल कंटेनर में दोस्तों आप सिर्फ एक लिमिट तक ही फूड आइटम्स रख सकते हैं। खाना अगर जरा सा भी ज्यादा हुआ तो फिर उसकी लिड बंद ही नहीं होगी एंड ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सी दिक्कतें हमें नॉर्मल कंटेनर्स में देखने को मिलती रहती हैं।
वही बात करें डेलीवन फ्लेक्स एंड फ्रेश की, तो इनके रीयूजेबल इलास्टिक फूड कवर से आप कंटेनर में जितना चाहे उतना फूड रखकर उसे आसानी से इससे कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक होता है तो आराम से ये फूड को कवर कर लेता है भले ही वो कंटेनर की कैपेसिटी से भी ज्यादा हो। इस तरह से आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना फूड स्टोर करके उसे इससे कवर कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस ये 100% लीक प्रूफ भी होते हैं, तो अंदर अगर ग्रेवी वगैरह है तो वो भी इससे लीक नहीं होगी भले ही इसे कितना भी शेक किया जाए। तो पहले जहां हमें अपनी नहीं बल्कि कंटेनर की कैपेसिटी के हिसाब से उतना ही फूड रखना पड़ता था, अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना फूड रखकर उसे इससे कवर कर सकते हैं। हाइड्रोआर्ट पॉड। अगर आपके घर में भी बड़े लोग कहते हैं कि आजकल बाहर से लाई जाने वाली वेजिटेबल्स में वो बात नहीं होती या फिर वो फ्रेश नहीं होती, तो अब आप घर पर ही या फिर इवन अपने रूम में ही फ्रेश वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं हाइड्रोआर्ट पॉट से। देखा जाएगा इस तो ये बात तो सच है कि बाहर की वेजिटेबल्स वगैरह का कोई भरोसा नहीं होता कि वो उतनी फ्रेश हैं या नहीं है, तो हाइड्रोआर्ट पॉट की मदद से आप फ्रेश वेजिटेबल्स अपने सामने अपने घर के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। ये एक फुली ऑटोमेटेड एंड सेल्फ ऑपरेटिंग इंडोर गार्डन सिस्टम होता है जिसे आप अपनी वॉल पर सेट कर सकते हैं। इसमें जब आप पानी डाल देंगे तो वो इसमें ऑटोमेटिकली सर्कुलेट करके इसमें लगे प्लांट्स तक पहुंचता रहेगा और प्लांट्स को सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स भी टाइम से मिलते रहेंगे। और इसका यूज और भी आसान बनाने के लिए आप इसका ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वाटर तो मिल जाता है लेकिन लाइट्स का क्या, तो वेल गाइस इसमें ग्रो लाइट्स भी पहले से ही लगी रहती हैं जिनकी मदद से प्लांट्स जल्दी ग्रो करते हैं। एंड देखने में तो ये है ही सुपर ऑसम, जैसे कि कोई अमेजिंग आर्ट रखी हो। तो इसमें आप अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स को एकदम फ्रेश अपनी आंखों के सामने ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। ऑक्यूशील्ड ऑक्यूलैम्प। आप चाहे घर में रीडिंग कर रहे हो या फिर अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हो, डेस्क पर एक लैंप तो होता ही है, लेकिन नॉर्मल लैंप से निकलने वाली लाइट एंड साथ में हमारी डिवाइसेस की स्क्रीन पर लगातार देखने से आंखों पर काफी स्ट्रेन पड़ता है और ये दिक्कत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इससे बचने के लिए आप यूज कर सकते हैं ऑक्यूशील्ड ऑक्यूलैम्प। इसकी लो ब्लू लाइट के चलते आप अपनी आईज के स्ट्रेन को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसे आप अपने ऑफिस या घर कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। दिन का कौन सा टाइम है उसके हिसाब से इसमें सेट करने के लिए 3 कलर सेटिंग्स रहती हैं दोस्तों। इसमें एक 2000 mAh की लिथियम बैटरी होती है जिससे ये लैंप 20 आवर्स तक नॉन स्टॉप लाइट दे सकता है। इन सारे अमेजिंग फीचर्स के साथ साथ नीचे इसमें एक टच पैनल डिस्प्ले भी दी गई है जिससे ये यूज करने में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो चाहे आपको वर्क करना हो या रीडिंग करनी हो, ऐसे में आप नॉर्मल लैंप्स की जगह पर ऑक्यूशील्ड ऑक्यूलैम्प का यूज कर सकते हैं। द एर्गोनॉमिक्स स्मार्ट डेस्क 2.0। गाइज एक नॉर्मल पर्सन दिन का सबसे ज्यादा टाइम शायद अपनी डेस्क पर बैठे हुए काम करते हुए स्पेंड करता है, लेकिन देर तक डेस्क पर बैठे रहने के भी कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं, खासकर तब जब सही से बैठा ना जाए एंड बीच में ब्रेक्स भी ना लिए जाए। ऐसे में गाइज मिलिए द एर्गोनॉमिक्स स्मार्ट डेस्क 2.0 से, जो कि आती है वर्चुअल असिस्टेंट सपोर्ट के साथ। इस डेस्क को आप अपनी वॉइस से या फिर इसके टच सेंसर से या फिर इसके ऐप से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके कई सारे फीचर्स आपको इसके ऐप में ही देखने को मिल जाएंगे। ये डेस्क आपको देर तक बैठने नहीं देगी, थोड़ी देर बाद आप इसकी हाइट को बढ़ाकर खड़े होकर इस पर वर्क कर सकते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी देर में आप मूव करते रहेंगे, तो ये बॉडी और हेल्थ दोनों के लिए काफी अच्छा रहेगा। इसका फिनिश स्टेन एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये स्मार्ट डेस्क आपकी हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी दोनों को ही इम्प्रूव कर देगी। जो लोग डेली रनिंग, जॉगिंग, वर्कआउट एंड एक्सरसाइज करते हैं, तो वो अपनी बॉडी की प्रोग्रेस को डेली ही मॉनिटर करते हैं। ऐसे में इन मेजरमेंट्स को इंस्टेंटली और बहुत ही आसानी से लेने के लिए आप पाई का यूज कर सकते हैं, जो कि एक स्मार्ट मेजरिंग टेप है। एक्सरसाइज के पहले एंड एक्सरसाइज के बाद लोग मेजरमेंट्स लेकर चेक करते हैं कि उनकी मेहनत का रिजल्ट कैसा रहा, एंड इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बहुत से लोग पेट कम करने वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत से लोग रेगुलरली जिम जाते हैं, कई लोग रनिंग वगैरह करते हैं, तो उसी हिसाब से वो मेजर करते हुए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं। इन मेजरमेंट्स को एकदम एक्यूरेसी के साथ जानना है तो पाई नाम का ये स्मार्ट मेजरिंग टेप इसके लिए परफेक्ट रहता है। मेजरमेंट्स लेने के बाद आपको पूरा रिव्यू अपने स्मार्टफोन पर ही सीधे देखने को मिल जाएगा। इसकी मदद से आप अपने लिए गोल्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि इतने टाइम में आपको ये पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, एंड फिर पाई की मदद से अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हुए आप एक बेटर वे में वर्कआउट एंड एक्सरसाइज कर पाएंगे। एंड देखा जाए गाइस तो लॉन्ग रन में वर्कआउट एंड एक्सरसाइज करते रहने के लिए मोटिवेशन भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में जब पाई में अपनी प्रोग्रेस को देखेंगे आप, तो ये चीज आपको काफी मोटिवेटेड भी रखेगी।
जिन प्लेसेस पर स्नोफॉल होता है यानी बर्फ गिरती है, वहाँ पर थोड़ी ही देर में घर के सामने वाला रास्ता बर्फ से बिल्कुल ढक जाता है और वहाँ रहने वाले लोगों को कम्यूट करने और चलने में काफी दिक्कतें आती हैं। स्नो को हटाने का काम भी काफी मेहनत वाला होता है। ऐसे में अब आपको दिखाता हूँ एक ऐसा रोबोट जो कि इसी काम के लिए बनाया गया है दोस्तों। ये है स्नोबॉट एंड ये एक ऑटोनॉमस स्नो ब्लोअर रोबोट है गाइस, जो कि आपके ड्राइववे और दूसरे रास्तों से स्नो को हटाने का काम कर देगा। आपको इसके साथ लगना नहीं पड़ेगा, बस इसे काम पर लगा दीजिए एंड ये खुद ही स्नो वाले रास्ते पर चलते हुए स्नो को वहां से हटाता रहता है एंड थोड़ी ही देर में बिल्कुल क्लीन रास्ता तैयार कर देता है। स्नो को हटाते हुए उसे ये थोड़ी दूर पर फेंकता जाता है। तो अगर आप भी रहते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर स्नोफॉल अक्सर होता रहता है, फिर तो ये रोबोट आप जरूर से लेना चाहेंगे। तो गाइस अब आप मुझे बताइए कि आज कौन सा गैजेट या इन्वेंशन लगा आपको सबसे अमेजिंग। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एंड कूल गैजेट्स की वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों सेफ रहिए एंड एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।